और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस की जीत को लेकर मोदी सरकार और बीजेपी पर तंज कसा है। कहा कि हनुमान जी बीजेपी पर नाराज हैं। साथ ही कहा कि हनुमान जी का गद्दा सिर्फ कर्नाटक में ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह और आगे भी जाएगा। हम लोगों की कोई इच्छा नहीं है, पहले भी हम लोगों ने बताया, ना प्रधानमंत्री बनने की ना मुख्यमंत्री बनने की। हम लोगों का एकमात्र लक्ष्य है कि देश जनता के लिए काम होना चाहिए, गरीबी के लिए काम होना चाहिए, बेरोजगारी हटाने के लिए काम होना चाहिए, महंगाई कम करने के लिए काम होना चाहिए, किसान मजदूर सैनिकों के लिए काम होना चाहिए, जवानों के लिए काम होना चाहिए, जो आम व्यक्ति है उनके लिए काम होना चाहिए। उस काम में जो है हम लोग सब लोग लगे हैं, सब लोग गोलबंद हो जाए, देश का लोकतंत्र और संविधान को हम लोग काम में लगे हुए हैं। पिछड़ों के वोट में सिंधमारी के लिए बीजेपी लगातार प्रयास कर रही है। अरे भाई, कोई किसी को कोई प्रयास कर लेने अंदर दीजिए। एक बार जब हनुमान जी नाराज हो गए हैं तो देश भर में जहाँ भी जिस प्रकार का जो लोग समाज में दंगा फसाद लड़ाई झगड़ा मतभेद करते हैं, सब उनको सबक सिखाएंगे ना। बोलो, हनुमान जी का जो गदा है कर्नाटक तक सीमित नहीं रहेगा, एक बात समझ लीजिए। एक बात समझिए, हम खुद ही व्यस्त हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। हम लोग प्रदेश के जनता के काम के लिए, प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों की अपनी खुद की व्यवस्था है। हम लोग सब लोग जो है काम में लगे हैं, विकास कार्यों में लगे हुए हैं, और आप लोग तो जानते ही है कि